कोरोना की बढ़ती शिद्दत, शहर के मुतादद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। न्यू मुस्लिम टाउन, अलामा इकबाल, गार्डन टाउन, अनारकली, शादमान, इचरा और निश्तर कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। वबा की संगीनी पर मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, अलामा इकबाल टाउन और शादमान के मजीद इलाके सील करने का हुक्म। जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने इम्तियाज मेगा स्टोर को सील कर दिया। डेफोडिल स्कूल भी बंद कर दिया गया। मैरिज हॉल एसोसिएशन का शादी हॉल्स बंद करने से इनकार। थिएटर प्रोड्यूसर्स और फनकारों की भी हुकूमती फैसले के खिलाफ। सिनेमा हॉल्स बंद करने से इनकार, कहते हैं पहले ही लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत ने जबरदस्ती की तो वजीर अला हाउस का घेराव करेंगे। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के बाद हुकूमत की नई आजमाइश। तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप एक बार फिर मुतहरिक। रात गए 16 अरकान सूबाई असम्बली की बैठक। पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए गुज़िश्ता वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया। तरक्याती फंड्स के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला किया। इशाइये में MPA मलिक हसनपुर अब्बास चीना, अली रजा खान खाकवानी, एजाज सुल्तान बंदिशिया, शहाबुद्दीन तैमूर अली लाली समेत दीगर शरीक हुए। रबा माली साल अकलियती बरादरी के लिए तरक्याती फंड्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। बुलंदोबांग हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर की अकलियती आबादियां नजरअंदाज। बिहार कॉलोनी, युहानाबाद, खान कॉलोनी, शाहदरा समेत दीगर अकलियती आबादियों के लिए 32 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के बावजूद 5 माह में सिर्फ 1 करोड़ जारी किए गए। मुतअद्दद मंसूबे हुकूमती तवज्जो के मुस्तहिक। माली मुश्किलात के शिकार सूबे पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स निजी शोबे की मदद से मुकम्मल करने का फैसला। वजीर आजम ने मेगा प्रोजेक्ट्स में निजी शोबे की शराकत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मुकम्मल होने वाले 5 मंसूबों की सिफारिशात देने की हिदायत। मवासलात, तामीरात, हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सेहत और तालीम समेत दीगर मंसूबे शराकत से मुकम्मल होंगे। सख्ती कैद बर्दाश्त कर गए हंसते हंसते, हमसे मर जमाने में कहां मिले थे। मर्दहूर मीर सहाफत मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की जमानत मंजूर की थी। मीर शकीलुर रहमान 241 रोज हिरासत में रहे। सर्विसेज हॉस्पिटल में रिहाई के मौके पर मीर इब्राहिम, सुहेल बड़ाई, सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, नवई चौधरी, खुरम कलीम, मियाँ ताहिर, जाहिद चौधरी समेत दीगर ने मीर शकीलुर रहमान का इस्तकबाल किया। सर्विसेज हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की सेहत सूरत हाल में बेहतरी पर मुतमईन। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर कामरान चीमा ने कहा कि साबिक वजीर आजम की सेहत देखकर डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन की आयादत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी, सरबराह चंग मीडिया ग्रुप मीर शकीलुर रहमान, नून लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन, खुरम दस्तगीर, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सियाचुल हक, सूबाई वुजरा फिरदौस आशिक अबान, सिप्तैन खान, मौलाना अब्दुल गफार रोपड़ी और मुशीर सेहत हनीफ पताफी चौधरी शुजात की आयादत के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे। समीना खालिद की क्यादत में पीपल्स पार्टी के वफद की भी चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शाफे से मुलाकात। मारूफ सनतकार गौहर एजाज की खिदमात का एतराफ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने PhD के एजाजी डिग्री देने की मंजूरी दे दी। गौहर एजाज को मैनेजमेंट के मजमून में PhD की एजाजी डिग्री दी जाएगी। कब्जे की राजी पर हाउसिंग स्कीम बनाने के खिलाफ एंटी करप्शन इन एक्शन। शालामार में रॉयल गार्डन हाउसिंग की इंतजामिया जवाबदेही के लिए तलब। सबूत फ्राहम करने वाले रेवेन्यू ऑफिसर को भी पेश होने का हुक्म। हाउसिंग स्कीम के मालिकान पर 1 अरब मालियत की 65 किनाल सरकारी एराजी गैर कानूनी तौर पर मंसूबे में शामिल करने के इल्जाम में तहकीकात जारी है। मास्टर टाइल्स के मालिक शेख महमूद इकबाल की बेटी की महंगी शादी। फूड एंड केटरिंग सर्विसेज फराहम करने वाला रोज बिलान का क्लब PRA के रडार पर। टैक्स नेट में लाने के लिए इवेंट प्लानिंग, फोटोग्राफी सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज की मॉनिटरिंग होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रोज बिलान का क्लब को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। महकमा एक्साइज के अफसरान और अहलकारों का प्रॉपर्टी टैक्स चोरी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। टैक्स चोरी में मुलव्वस अफसरान को नौकरी से बरतरफ करने की कार्रवाई शुरू। निजी एक्साइज ने इलाकों के सर्वे के लिए टीम्स तश्कील दे दी। टीम्स मखसूस इलाके चेक करके कम टैक्स वाली प्रॉपर्टीज की निशानदही करेगी। लेस्को फील्ड स्टोर चोंग से करोड़ों का सामान चोरी होने का मामला। तहकीकात में मुलाजमीन के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए। मैनेजर चोंग स्टोर समेत पूरा अमला मौतल कर दिया गया।
तहकीकात के दौरान 5,90,00,000 रुपए का सामान चोरी होने की निशानदेही हुई। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तफसीलात, शुगर मिल मालिकान को देने का मुआमला। शुगर इंक्वायरी कमीशन में तायुनात, एफआईए के डेप्यूटी डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफा बाजवा पर इल्जामात साबित। सज्जाद मुस्तफा बाजवा को नौकरी से निकाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सज्जाद मुस्तफा ने भारी रकम के इब्स शुगर इंक्वायरी की तफसीलात लीक की। रेलवे खसारे में रिकॉर्ड इजाफा, आमदन कम होने से हदफ भी पूरा ना हो सका। रवा माली साल के पहले 4 माह में महकमा 9,59,54,95,000 रुपए खसारे का शिकार। रेलवे को 4 माह में कुल 23,36,88,28,000 आमदनी का हदफ दिया गया था। लाहौरियों को जाली और मुसले सेहत, खुर्दनी तेल और कैचअप खिलाने का मंसूबा नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी का करोल घाटी और दिगर इलाकों में ऑपरेशन, फूड प्रोडक्शन के 6 यूनिट सी, एक की प्रोडक्शन पर पाबंदी। कार्रवाई के दौरान 6,000 किलो भेड़ की आंतड़ियां, 350 किलो मुसले सेहत कैचअप और 1,000 किलो मिलावटी दूध कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। निसाब की तैयारी और कवायद जवाबित नामुकम्मल। मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की एंट्री टेस्ट मंसूख। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर 15 नवंबर को होने वाला एमडी कैट मंसूख किया गया। अदालत की पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को असर-ए-नौ निसाब की तैयारी की हिदायत। बासा के डेलीबेची सब इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी। बासा का सब इंजीनियर को रेगुलर न करने का फैसला कल अदम करार। हाईकोर्ट ने डेलीबेची सब इंजीनियर्स को मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने आसिफ अली खैरात समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार 8,45,00,000 की जायदाद के मालिक। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान के 1.5 अरब मालियत के असासे और हमजा शहबाज 41 करोड़ के असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के अराकीन के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। गाड़ी और जायदाद से महरूम साजिदा यूसुफ पंजाब असम्बली की सबसे गरीब रुकन करार। अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए मौजूद। स्पीकर परवेज लाही की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। गंदम की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से तीसरे रोज भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। राधा बशारत की तकरीर के दौरान अपोजिशन के मुदाखलत पर वज़ीर कानून सख्त बरहम। बोले, जब तक तकरीर मुकम्मल नहीं कर लेता किसी को बोले नहीं दूंगा। एवान चोर चोर चाली हुकूमत के नारों से गूंज उठा। माइक बंद करने पर अपोजिशन रुकन खलील ताहिर सिंधु और चौधरी अख्तर के दरमियान हाथापाई। दीगर अराकीन ने बीच बचाव करवाया। स्पीकर ने इजलास गैर मुयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। 24 न्यूज की बंदिश को 72वां रोज। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सीनियर सहाफी, सियासी रहनुमाओं, समाजी और तजारती शख्सियात की शिरकत। शुरका के हुकूमत इकदाम के खिलाफ नारे। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में सीरत-उन-नबी सेमिनार। वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्सा, डॉक्टर अकरम चौधरी, प्रोफेसर हिफ्सा मुनीर, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम सहर समेत दीगर की शिरकत। सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज खुतबात। सूबाई वज़ीरे औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह के भाई की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़ीरे तिजारत डी जी मज़हबी अमूर, खतीब दाता दरबार रमजान सियालवी समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मारूफ गुलुकारा सनम मारवी तबीयत खराब होने पर अस्पताल दाखिल। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। सनम मारवी मुख्तलिफ शहरों के दौरों के बायस फ्लू और इन्फेक्शन का शिकार है। बच्चों के लिए खुशखबरी। लाहौर चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों की आमद। सफेद शेरनी के यहाँ 15 साल बाद 3 बच्चों की पैदाइश। शेरनी और तीनों बच्चे सेहतमंद करार। और नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट। लाहौर टाइगर्स ने लाहौर ग्रीन्स को 121 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए। जवाब में लाहौर ग्रीन्स की टीम 101 रन बनाकर आउट हो गई।